एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड, हम बना रहे हैं प्रोटीन का खजाना, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है और एनर्जी भी बहुत अच्छी इसमें मिलती है, वेट लॉस कबाब। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 1 कप सोयाबीन नगेट्स भिगा दिया था धो करके 20 मिनट पहले गुनगुने पानी में। अब ये अच्छे से सोख हो गया है और इसे हम अच्छे से निचोड़ निचोड़ के इसका सारा पानी, सारे न्यूट्रिएंट को अलग कर लेंगे। एक बोल में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ताकि जो है ग्राइंड गीला ना हो, नहीं तो गीला हो जाएगा तो हमको बाइंडिंग एजेंट ज़्यादा डालना पड़ेगा, जिससे टेस्ट नहीं आएगा अच्छा। तो इस तरह से इसे अच्छे से निचोड़ के इसे हमको अलग कर लेना है। हमने एक बोल फूल करके तैयार हुआ है, इतना ही हमने 1 कप भिगाया था। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप 2 कप या 2 कटोरी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे बना करके अगर फ्रिज में स्टोर करके रख लेंगे फ्रीजर में, तो जब मन चाहे इसे सेकें निकाल करके और खा लें। ये स्टोर भी कर सकते हैं आप 10 से 15 दिन तक फ्रीजर में रख के। तो आगे हम बताएंगे कैसे स्टोर करना। तो ये देखिए, इसका गंदा पानी निकल गया, इसे हम साइड में कर देंगे। और अब इसके साथ हम क्या मिलाएंगे वो आपको दिखाते हैं। उसे भी हमने 2 दिन पहले ही भिगा करके स्प्राउट करके रखा है। तो ये देखिए, ये चना है, चना हमने इसमें स्प्राउट करके मिलाया है। स्प्राउटेड चना बहुत ही हेल्दी होता है और प्रोटीन से भरपूर होता है। तो यहाँ पर वेट लॉस है ये कबाब, इसलिए इसमें हमने सारे प्रोटीन वाले ही आइटम यूज़ किए हैं। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से सोख होकर के फूल गया है और इसका पानी निकाल के हमने इसे अलग रख लिया है। और अब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। तो एक हमने मिक्सी जार लिया है छोटा वाला, उसमें सबसे पहले चना को हम ग्राइंड करेंगे। चना हमने एक छोटा बोल लिया है और अब इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च स्लिट करके डाल दिया हमने, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक चॉप करके डाल दिया, और 4 से 5 कली लहसुन का, बस यही हमको डालना है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और अब इसे हमने ग्राइंड कर लिया, ये देखिए ग्राइंड हो गया है। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। इसके बाद हम ग्राइंड करेंगे न्यूट्रीला। इसमें बहुत कम, बिल्कुल मतलब पानी आपको डालना ही नहीं है। अगर आपकी मिक्सी नहीं चलती है तो आप 1 स्पून डाल सकते हैं, अदरवाइज इसमें बाइंडिंग एजेंट आपको ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसमें पानी नहीं डाला है। इस तरह से इसे ग्राइंड किया है। तो ये देखिए, अच्छे से ग्राइंड हो गया है। और अब इसको हम सारा जार में निकाल लेंगे। फिर हम दिखाते हैं इसमें क्या क्या स्पाइसेस मिक्स करते हैं, क्या क्या सब्जी डालते हैं। तो ये देखिए, बाइंडिंग के लिए हमने 2 स्पून इसमें बेसन डाल दिया है, और ब्राउन ब्रेड 2 स्पून। अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड नहीं हो तो आप राइस फ्लोर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए, 100 ग्राम हमने पनीर ग्रेट करके डाल दिया है। और अब कुछ सब्जियां डालेंगे। 1 अनियन छोटा चॉप करके हमने डाला है, 1 हरी मिर्च डाला है चॉप करके, और 1 शिमला मिर्च छोटा छोटा चॉप करके, 1 बंच धनिया की पत्ती। ये सब हमने धो के काट के पहले से ही रखा था, ताकि पानी इसमें ना रहे। और 1 गाजर हमने ग्रेट करके डाल दिया। और अब कुछ स्पाइसेस डालेंगे। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, मिर्चा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला, और 1 टीस्पून चाट मसाला, और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, बस यही इसमें हमने डाला है। इसी सब से हमको इसे बनाना है। और अब हमने डाल दिया 1 टीस्पून नमक। नमक स्वाद के अनुसार डालना है, सबको अच्छे से मिक्स करना। नमक हमने लास्ट में इसलिए डाला है ताकि पानी ना छोड़े, पहले अच्छे से सबको मिक्स कर लिया, और जब बनाना हुआ तब हमने नमक डाल के मिक्स किया। और इस तरह से देखिए, सारी टिक्कियों को आपको बना करके रख लेना है, ताकि ये सेकने में आसानी हो। और आपको अगर स्टोर करना है तो इसी तरह से टिक्कियाँ बना करके एयर टाइट डिब्बे में रख के फ्रीजर में रख दें। आप इसे 10 से 15 दिन तक आसानी से यूज कर सकते हैं। और जब आपको खाना हो, 10 मिनट पहले निकालिए और इसे सेक लीजिए। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, और इसका आप बन भी बना सकते हैं। इस तरह से बर्गर के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। बन वाला ब्रेड लीजिए, उसमें बर्गर की तरह इसे लगा करके प्याज टमाटर के साथ सर्व कर सकते हैं। सारी टिक्की बन गई हैं। हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल से इसे बना रहे हैं, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या घी से भी सेक सकते हैं। ये लो कैलोरी वाला है, इसलिए इसको हमने ऑलिव ऑयल में बनाया है। 1 स्पून हमने ऑयल डाला है, और सबको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमको सेक लेना है। इस तरह से सारे को हम डाल देंगे। जितना एक बार में आएगा उतना ही हमको डालना है, ताकि पलटने में टूटे ना। और इस तरह से सारे को अरेंज करके ऑयल को सब तरह घुमा करके फैला देना है। जो भी ऑयल है, तवे को इधर उधर घुमा के सब जगह फैला देना है, ताकि ऑयल सब जगह पहुंच जाए। इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकना है, ताकि अच्छे से क्रिस्पी सिके और अंदर तक सिक जाए। अगर आप हाई हीट में सेकेंगे तो बाहर से जल जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसे 2 मिनट के बाद ही पलटें। तो 2 मिनट हो गया एक तरफ सिकते हुए, अब हम पलट के दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है,
इस तरह से आप सेकेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा और क्रिस्पी भी बनेगा। तो ये देखिए, इसे भी पलट देते हैं। इसी तरह से इसे हमको सारे को अलट पलट करके क्रिस्पी सेक लेना है। उसके बाद हम इसे बाहर निकालेंगे, फिर दूसरा स्लॉट सेकेंगे। तो इसी तरह से आपको अलट पलट के इसे सेकना है, संभाल करके पलटना है ताकि टूटे ना। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा कलर आया है। देखने में जितना सुंदर लग रहा है उससे ज़्यादा कहीं खाने में टेस्टी और हेल्दी है। ये वेट लॉस कबाब है, इसे आप बना करके खाएंगे तो गारंटी है 1 महीने में 5 kg वेट आपका ज़रूर कम होगा। एक तो इसमें ऑयल बहुत कम है और ये विटामिन से भरपूर है और इसमें प्रोटीन रिच मात्रा में है। कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत कम मात्रा में है, ना के बराबर है। तो इस तरह से देखिए हमने सारे को अलट पलट के सेक लिया। रेसिपी ज़रा भी यूजफुल लगे तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। साइड में बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचता रहे। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसे बहुत सारे लोग यूज़ करेंगे और बहुतों का भला होगा, इसलिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें चैनल को। तो ये देखिए सारे को हमने सेक लिया और अब इसे हम निकाल लिए हैं। तो ये देखिए दूसरा स्लॉट अब हम लगा दिए हैं। इस तरह से दोनों को सेक लेंगे और हम इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहें तो सॉस के साथ, दही के साथ कैसे भी सर्व कर सकते हैं। लंच डिनर किसी भी टाइम आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए रेसिपी बन के बिल्कुल तैयार है। इसे बच्चे नहीं खाते हैं, उन्हें भी आप सारी सब्जियाँ मिला किस तरह से बना खिलाएंगे, बच्चे भी बहुत आसानी से खाएंगे। तो ये देखिए हमने तोड़ के दिखाया कितना सॉफ्ट, कितना टेस्टी। तो बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।